नागरिक उड्डयन मंत्रालय कार्यभार संभालने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के साथ ही सिंधिया ने मंत्रालय से जुड़े हर एक महकमे के साथ मीटिंग की और इतना ही नहीं, वहां काम करने वाले तमाम लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत भी की है। दरअसल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभालने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम ऑफिसरों के साथ मीटिंग करने पहुंचे। इस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी। और उन्होंने ये भी बताया कि इस मीटिंग में उनके साथ नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सिंधिया ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाकर वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की और साथ ही बातचीत भी की। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे सिंधिया तमाम कर्मचारियों से मिले और उनसे बातचीत की है। आपको बता दें कि सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एमपी के लिए स्पाइसजेट की 8 नई उड़ानों को मंजूरी दी है, जिसका संचालन अगली 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये उड़ानें ग्वालियर मुंबई ग्वालियर, ग्वालियर पुणे ग्वालियर, जबलपुर सूरत जबलपुर, अहमदाबाद ग्वालियर अहमदाबाद से शुरू की जाएगी।